रॉक के सेक्सी के जरा बेस देखे, पूरी डैमेज हो चुकी है यहां पर, तो पड़ा यहां पर फ्रेंड्स स्पॉट करने की कोशिश करना चाहते हैं, हल्का सा एकदम ऊपर से टीपी लेने की कोशिश कर रहे हैं, मवी मोनोटॉप के एकदम साइड से निकले हैं, फ्रेंड्स अभी भी यहीं पर है, सेक्सी की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, मुश्किलें यहां पर हो सकती है, 4 vs 2 का चार्ज इन बहुत प्यारे तरीके से देखने को मिल सकता है यहां पर, और ऑरेंज चौक चार्ज कर रही है, ऑरेंज चौक के पास 3 किल है, गिल के पास अभी 0 किल है, बट वो अपनी किल निकालना चाहिए, लेकिन सेक्सी की अगर आप बेस देखिए पूरी डैमेज हो चुकी है यहां पर, 2 प्लेयर्स सेक्सी को और थोड़ा सा डैमेज पड़ा है इन पूरी फाइट के अंदर, देखते क्या होता है उन फाइट की सिचुएशन, बट यहां पर नो चांस के प्लेयर्स जो गॉडलेस है, बींग एन एब्सोल्यूट गॉड, चलती गाड़ी से प्लेयर्स उतारने की शुरुआत करी थी एंड सीधा यहां पर KOG के लिए एक एंड गेम बनाया था। यस अब बहुत ही शानदार उन्होंने वहां पे स्क्वाड वाइप करी थी, बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक-एक करते हुए बढ़ रहे, बट फ्रेंजी का पोजीशन के बारे में उनको कोई भी अंदाजा नहीं है यहां पे, तो ये एक एक्स फैक्टर जरूर बन सकते हैं, और देखना पड़ेगा ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने जरूर कैपिटलाइज तो कर लिया है कंपाउंड की तरफ, और फ्रेंजी इंस्टेंटली कंपाउंड के बाहर जाके लेट चुके हैं, अब देखना यह रहेगा कि ऑरेंज रॉक यहां पे ओवर एक्सटेंड करती है नहीं, क्योंकि पीछे से भी शॉट्स पड़ रहे, क्रॉस फायर भी बच चुका है, फ्रेंजी चुपचाप है अभी तक अपना पोजीशन रिवील नहीं किया, और काफी देर तक चुप रह गए क्योंकि स्काउट के सामने वो नहीं टिक पाए, और इसी के साथ वो फिनिश भी हो चुके हैं, मॉर्ट टीम यहां पे एलिमिनेट हो चुकी है, बट यहां पे नोवा गॉडलाइक की फाइट भी छिड़ चुकी है T1 के अगेंस्ट, नोवा गॉडलाइक को मुश्किलें हल्की सी हो सकती है जिस तरीके से यहां पर फाइट